इसलिए मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि वो औरंगजेब की औलाद बनकर नहीं, अगर देश में रहना है तो अशफाक उल्लाह की औलाद बनकर रहें जो मादरी वतन के प्रति वफादार था। मुसलमान जागीरदार, नवाब और औरंगजेब की औलाद बनकर नहीं, एक सच्चे भारतीय बनकर रहें, और अगर एकता के सूत्र में रहेंगे तभी मिलकर रहेंगे। अफगानिस्तान की धरती पर मुसलमान की ही बेटी से मुसलमान के द्वारा जो कुछ किया गया वो नियाज खान को अच्छा लगता है, वहां पर जिस तरह अफगानिस्तान की धरती पर कत्लेआम हुआ वो अच्छा लगता है, क्या कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ नियाज खान उसको जायज मानते हैं? नहीं तो वो तो बोल रहे हैं ना कि वो गलत है। नहीं तो गलत है तो गलत को देश को बताना पड़ेगा, और वो गलत बंद नहीं हुआ, वो गलत आज भी केरल की धरती पर हो रहा है, वो गलत आज भी पश्चिम बंगाल की धरती पर हो रहा है, वो गलत यदा कदा कहीं भी घटित हो जाता है। इसलिए मुसलमानों को यह समझना चाहिए कि वो औरंगजेब की औलाद बनकर नहीं, अगर देश में रहना है तो अशफाक उल्लाह की औलाद बनकर रहें जो मादरी वतन के प्रति वफादार था, और हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बनकर इस देश की सरजमीन की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। उस शहीद अशफाक उल्लाह को खां को जब रामेश्वर शर्मा भी नाम सुनता है तो गौरवान्वित होता है और उसके लिए सजदा करता है और उसकी मजार पर चादर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि वो मातृभूमि के रक्षक थे। मुसलमान जागीरदार, नवाब और औरंगजेब की औलाद बनकर नहीं, एक सच्चे भारतीय बनकर रहें, और अगर एकता के सूत्र में रहेंगे तभी मिलकर रहेंगे। कश्मीर का दर्द जन जन तक बताया जाएगा और बताया जाना चाहिए, और कश्मीर के जो फिल्में निर्देशक निर्माता और जितने भी कलाकार हैं मैं सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आज की पीढ़ी को जो दर्द कश्मीर के अंदर घटित हुआ, जो घटनाएं हुई उससे अवगत कराया। नियाज खान जैसे लोगों को समझना चाहिए, देश ने आपको अच्छा पद दिया है उसकी गरिमा बनाए रखिए, अन्यथा पद छोड़िए और कहीं मौलवी और नवाजी बनिए, फिर हम और आप सड़कों पर मिलेंगे तब बात करेंगे।